हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड, ओके। तो ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है आरओ एआरओ परीक्षा के लिए, उसका ये छठा वीडियो है। इसके पहले पांच वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आई होप आपने उन सभी वीडियोस को कवर किया है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज भी किया है। जो मैंने बताया है आपको, 3 बार रिवाइज करना है विद इन अ वीक। अगर आप ऐसा करते हो तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है? तो ये उसका छठा वीडियो है। इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने अच्छे से पूरा एलेबोरेट किया है। उसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो आप इन सभी को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और इसका एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है? मैं जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फालतू के क्वेश्चन हैं अपने इसमें पीडीएफ इंक्लूड नहीं करता हूँ। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा यकीन हो जाएगा। बाकी जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आरओ के लिए जो एक मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, टारगेट यूपी पीएससी आरओ एआरओ, तो आप इस ग्रुप पे आप इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? मोस्टली सभी को इसका आंसर पता होगा, पर ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है? तो अचल कुमार ज्योति, ठीक है? ये अब तक इंक्लूड नहीं किया था इसलिए मैंने लिया। वैसे ही बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आपको पता होगा, अचल कुमार ज्योति। देन भारत के किस राज्य ने 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं मात्र 12 घंटों के अंदर, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है आपसे। देन रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? इसके बाद ये 12वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, ठीक है? 12वां मतलब 2017 में, ठीक है? तो ये कहां पर आयोजित किया गया? जर्मनी के हैमबर्ग सिटी में, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो G20 के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता देता हूँ। वैसे ये सभी जब भी जिक्र आता है G20 का या किसी और भी इस तरीके के जो तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ हर एक वीडियो में बार बार रिपीट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे जो G20 है, इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 1999 में, ठीक है? उद्देश्य क्या था इसका? कि जिससे कि जो 20 20 एक्चुअली इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस 1 यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है? तो इनको मिला के G20 बोला जाता है। और इनका उद्देश्य क्या है? कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन रहे इकोनॉमिक को लेके, जो आर्थिक है, आर्थिकी बोलेंगे हिंदी में, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स है वर्ल्ड की, उसके लिए आप एक दूसरे के साथ पूरा कोऑर्डिनेट करके चले, मतलब आपकी इकोनॉमी भी डेवलप हो और दूसरे की इकोनॉमी भी डेवलप हो। तो ऐसा उद्देश्य है G20 शिखर सम्मेलन का, ठीक है? तो इसके लिए इसका फॉर्मेशन 99 में किया गया था। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? एक्चुअली जो चेयरपर्सन क्या होता है कि जैसे जहाँ भी ये जो उसका कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा की जाती है, तो उस कंट्री के जो लीडर होते हैं तो वही इसको मतलब उसमें हेड रहते हैं, ठीक है? उसमें चेयरपर्सन होते हैं। तो जर्मनी के में जो जो चांसलर है उनकी, तो एंजेला मार्केल, तो जर्मनी के चांसलर है वो, इनकी इस सम्मेलन में जो 2017 में हुआ था जर्मनी, वहां पे चेयरपर्सन थी। अभी क्या है कि जो 2018 में जो ये सम्मेलन होना है तो वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वो होगा अर्जेंटीना में, ठीक है? 2018 का जो सम्मेलन होना है वो अर्जेंटीना में होना है। कौन सा सिटी होगा? बुनोस अरीज, ठीक है? तो ये आप नोट कर सकते हो, बुनोस अरीज में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? तो ये होंगे मार्सियो माकरी, मार्सियो माकरी, ठीक है? ये अभी प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, ठीक है, मार्सियो माकरी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला हाई स्पीड रेल रेल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सो दिस इज गांधीनगर, ठीक है? गुजरात में ये हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे जो हाई स्पीड ट्रेन चलेंगे ना, तो उसकी जो जो टेक्नोलॉजीज होंगी उस सब के बारे में बताएगा। और 2020 से ये स्टार्ट हो जाएगा इसका वर्किंग, ठीक है? और इसमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जो है ना, काफ़ी सारी नेविगेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज हैं, सैटेलाइट से रिलेट से कनेक्ट करके जो ट्रेन को चलाया जाएगा, तमाम सारी नई टेक्नोलॉजीज
टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, तो उन सबके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि हाई स्पीड जब ट्रेन आएंगी, चलने लग जाएंगी, तो उनकी टेक्नोलॉजी को भी आपको पता होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। और जो मैंने पीछे बताया कि एक रेलवे ट्रेनिंग, जो हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर खोला खोला गया वडोदरा में, ठीक है, तो पिछले वीडियोज में बताया, तो वो बुलेट ट्रेन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नेट पे जाके एक बार इसको देख भी लेना, तो आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वडोदरा में जो हाई स्पीड ट्रेनिंग सेंटर वो है, वो बुलेट ट्रेन के लिए है, और जो गांधीनगर में है, दैट इज फॉर हाई स्पीड ट्रेन। ओके, देन भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं के बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर आप खुद दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क ले दे रहा हूँ, मैंने बताया हुआ है पहले भी, तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, जो क्वेश्चन बताता हूँ अगर उनको मैं इंक्लूड करता हूँ, तो उसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, और प्लीज आप उसके आंसर दो, सब लोग उसके आंसर दो। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्वेश्चन का आंसर दें, और ये जो जो भी वीडियो मैं डेली, एक्चुअली डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इनको एक प्रैक्टिस के रूप में लीजिए। आप डेली इनको जरूर से याद रखिए कि मेरा जो चैनल है गेट सर्किल, वहां से एक वीडियो आना है 30 क्वेश्चन का, सो डेफिनेटली मैं उसको स्किप नहीं करूंगा, और इसको करूंगा ही करूंगा। काफी यूजफुल वीडियो लेता हूँ मैं, सॉरी क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ अपने वीडियो में। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा मेरे वीडियोस को, जब तक कि आपका एग्जाम में कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो जाता है। देन भारत की पहली सौर ऊर्जा वाली डेमू ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई है? दिस इज सफदरगंज, सफदरजंग स्टेशन। ठीक है, सफदरजंग स्टेशन से डेमू ट्रेन की शुरुआत हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो ट्रेन है, यही ट्रेन है, ये सफदरगंज सफदरजंग से चली थी डेमू। एक्चुअली डेमू जो ट्रेन होती है, उसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, ये इसमें होता है कि जो जैसे जो अपनी ट्रेन्स होती है ना, तो उसमें सामने बाहर एक इंजन लगा होता है, ठीक है ना, फिर पीछे डब्बे होते तमाम सारे, है ना। पर जो डेमू होती है, उसमें ये ऐसी कोई सेपरेट इंजन की यूनिट नहीं होती है, वो डब्बे से ही को, अब देखो आप लोग, तो जिसने भी ट्रेवल किया होगा उसने देखा होगा कि जो डेमू होती है, उसका जो फ्रंट सबसे पहला डब्बा होता है, उस इतने में ही आपका पूरा इंजन होता है, बाकी पीछे लोग सवारी बैठती है ना। तो इसमें ये एक भी हो सकता है, और इन बिटवीन भी ये लगाया जा सकते हैं, जैसे यहाँ कहीं बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होती है डेमू। एक, अच्छा आपने सुना होगा कि मेमू होती है, मेमू, उसमें क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मतलब यहाँ पे डीजल की जगह मेन लाइन होता है। ठीक है, ओके, तो ये है मेमू, ये है डेमू। उसमें मतलब क्या होता है, डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों का ही फैसिलिटेशन दिया जाता है और चलाने के लिए। ओके, तो इसमें क्या किया गया है, ये जो अभी जो सोलर ट्रेन चलाई गई, सोलर डेमू चलाई गई है, उसमें जो है ऊपर जो है ये सोलर प्लेट्स लगा दी गई हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि इसमें आपका ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक का जो भी सामान होगा, लाइट होगा, फैन होगा, ये सारे के सारे इसी से चलने वाले हैं। ठीक है, और बाकी ट्रेन जो है वो जैसे डेमू चलती है वैसे चलेगी, मतलब डेमू मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्रेन चल रही है सोलर एनर्जी से, ऐसा नहीं हो रहा, वो सेम ही है, मतलब जो ट्रेन के मूवमेंट के मैकेनिज्म है वो सेम है, बट सोलर प्लेट्स लगाई गए हैं, जिससे कि जो सोलर के जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करने के लिए, ठीक है, बल्ब है, पंखा है, ठीक, वो सभी चीजें आपकी सोलर एनर्जी से चलेंगी। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है ना, समझ गया ना, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चली है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के 18वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपसे बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल को 18वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो और पिछले जो अटॉर्नी जनरल थे 17th, उनका नाम क्या था आपको पता होगा? मुकुल रोहतगी। ठीक है, तो ये जो थे ये रिटायर हो चुके हैं, और कुछ जो अटॉर्नी जनरल के बारे में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 76, करेक्ट ना, है ना। और जो एजीआई है, एजीआई, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, और क्या, ठीक है, इतना ही है। बाकी जो इनके कारोबार के बारे में है, आप पॉलिटी में पढ़िए, जो इनका क्या काम है एक्चुअली, ये जो गवर्नमेंट के एक वकील के रूप में होते हैं, है ना, और भी है, जैसे ये अपनी वकालत कर सकते हैं पार्लियामेंट में, आइए पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब, है ना, और जो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ, कोई भी कुछ कोर्ट केसेस होते हैं, तो वो उसमें वकील होते हैं, ये सब चीजें हैं, आप इसको पढ़ लेना, पॉलिटी में बहुत पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में। ओके,
देन किस राज्य के द्वारा मांझी कन्या भाग्यश्री योजना चलाई जा रही है? ठीक है, ये जो मांझी कन्या भाग्यश्री योजना है, ये एक्चुअली जो सुकन्या योजना थी, है ना, तो पहले तो ये चलाई कहाँ जा रही है आप देख लो, महाराष्ट्र में, इसको याद तक कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो मांझी कन्या भाग्यश्री योजना है, जो पहले सुकन्या स्कीम थी उसको स्टॉप करके ये मांझी कन्या भाग्यश्री योजना चलाई गई है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनकी एजुकेशन को, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, है ना, और महिलाओं की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, मतलब जो उनकी परिस्थिति है, मतलब स्थिति को इम्प्रूव किया जाए, एम्पावरमेंट किया जाए महिलाओं का, ठीक है। तो उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है, और इसके जैसी ही एक जो स्कीम चलाई गई थी ना केंद्र सरकार द्वारा, बेटी बचाओ, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसी प्रारूप पे ये एक राज्य स्तर पे ये स्कीम चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सेंट्रल ने चलाई है, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल ने भी एक स्कीम चलाई हुई है, पश्चिम बंगाल ने, वो है कन्याश्री प्रकल्प, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कन्याश्री प्रकल्प ये किस प्रदेश में चल रही है? ये वेस्ट बंगाल में चल रही है, ठीक है। तो इसमें अच्छा होता क्या है, इसमें क्या है एक्चुअली, ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, जो बीपीएल में जो परिवार है जहाँ पे, तो वहां पे अगर जैसे कोई कन्या पैदा होती है, ठीक है, तो उसमें उसको पैसा दिया जाएगा, पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा, तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप एक बार समझ लो थोड़ा सा, बाकी तो इतना नहीं पूछा जाएगा। पहले तो आप ये समझ लो कि जो घरों में 18 साल से ऊपर की जो कोई कन्या है, तो उसको 1 लाख रुपए एनुअली मिलेगा, ठीक है, अगर 18 साल से ऊपर है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, और अगर उसी परिवार में एक से ज्यादा कन्याएं हैं 18 साल से ऊपर, तो ये जो पैसा है उनमें बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि सबको 1-1 लाख मिलेगा, तो फिर वो दो कन्याओं में 50-50 हजार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई कन्या कहीं पैदा होती है किसी घर में, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो उसकी मदर होगी उसको 5,000 रुपीज दिए जाएंगे पर मंथ, ठीक है, और उस बच्ची के नाम पे 2,000 रुपये पर मंथ जमा होंगे, 7,000 रुपये मतलब पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो बच्ची क्लास 5 में पहुंच जाएगी, ठीक है, तो माँ की जो इनकम है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो बच्ची को उसके बाद 2,500 रुपये मिलने लग जाएंगे क्लास 5 पहुंचने के बाद, और जैसे वो बच्ची क्लास 12 में पहुंच जाएगी, है ना, तो उसके बाद से उसको 3,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। तो ये सब तो आपसे कर नहीं पूछेगा, आप इतना समझ लो कि इसमें पैसा दिया जाएगा, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, बॉस ये आप देख लो, बीपीएल के लिए है ये, ओके। और ये इंपॉर्टेंट था कन्याश्री प्रकल्प, ठीक है, ओके। और कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। देन किस राज्य ने जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए जनहित पोर्टल की शुरुआत की है? तो जनहित पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तेलंगाना ने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मोटर बाइक एम्बुलेंस की स्थापना की है? मतलब आप वहां पे जो मोटरसाइकिल से एम्बुलेंस चलेंगी वो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। ये बहुत ही अच्छी चीज सर्विस प्रोवाइड कराई, ये देखिए ये मोटर एम्बुलेंस है, ठीक है, ये आप बाइक है, साथ में इन्होंने ऐसे अरेंजमेंट दे दिया है जैसे शोले बाइक में जो है ना, बस वही है, साइड में यहाँ पे इन्होंने ऐसे लगा दिया है, शोले मूवी में गाना नहीं है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बस वही वाली बाइक है ये, और यहाँ पे इन्होंने एक एम्बुलेंस जैसा अरेंजमेंट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि जो एक तो इसकी ये छोटी होगी साइज में एक प्रॉपर एम्बुलेंस के कंपेरिजन में, तो इसको बहुत जल्दी आप स्विफ्ट मूवमेंट होगा, काफी कम टाइम में आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, आप ट्रैफिक जो जो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं एम्बुलेंस, तो वो सब चीजें यहाँ इससे अवॉइड की जा सकती हैं, छोटा साइज होगा तो डेफिनेटली मूवमेंट फास्ट होगा, तो ये काफी बढ़िया काम कर रही है वहां पे महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। देन किस राज्य ने मिशन फुटबॉल की शुरुआत की है? दैट इज मेघालय, मेघालय में मिशन फुटबॉल की शुरुआत की गई है। देन सड़क रख रखाव के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आरंभ ऐप है, ठीक है, आरंभ, तो ये ऐप लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो रोड है उसकी रख रखाव के लिए, ये एक जीआईएस सिस्टम है, ठीक है, इस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें जैसे नहीं गूगल में मैप आता है उस टाइप से ये पिक्चर्स मिलेंगी आपको उस रोड की कंडीशन के बारे में, तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी से अटैच्ड है, तो काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट जो अपनी सड़क की जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो आरंभ ये याद रखिएगा। इसके बाद दुनिया के सबसे लंबे पैदल पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड में, तो ये देखिए इसकी लंबाई कितनी है,
494 मीटर, मतलब करीब करीब आधा किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ओके गुड। देन कृषि उत्पाद बेचने के लिए सरकार ने हाल ही में किस पोर्टल की शुरुआत की है? ई रकम। ई रकम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कृषि उत्पाद बेचने के लिए ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ई रकम क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिनसे आप रियली काफी कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप इसे याद रखिएगा, ई रकम फॉर व्हाट, कृषि उत्पाद को बेचने के लिए, ठीक है। गुड। देन आदि परुक्कू, आदि परुक्कू ये त्योहार किस सॉरी ये गलत है, किस स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है, किस प्रदेश में मनाया जाता है आदि परुक्कू? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। आदि मतलब सूर्य होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और परुक्कू मतलब सूर्य की जो मूवमेंट है उसी से रिलेटेड कुछ त्योहार है, मतलब यहाँ पे जिस दिन सूर्य अपनी लाइक जो कुछ उसकी पोजीशन चेंज होती है, इतना तो मुझे नहीं पता उसमें, पर ये पता है कि सूर्य की कुछ पोजीशन चेंज होती है वहां से, और इसलिए उस दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं आदि परुक्कू, ठीक है। देन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसको भूलना नहीं, मुझे आंसर चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक तीसरा है, राइट। ओके। देन किस राज्य की सरकार ने नारियल को पेड़ का दर्जा दिया है? ठीक है, गोवा की गवर्नमेंट ने नारियल को एक ट्री का दर्जा दे दिया है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, श्री राम सागर आधुनिकीकरण परियोजना, श्री राम सागर आधुनिकीकरण परियोजना किस राज्य में चालू की गई है? तेलंगाना में चालू की गई है, और ये जो परियोजना है वो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस टाइप ये जो स्कीम होती परियोजनाएं होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और पूछते हैं ये किस स्टेट में है और किस रिवर पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर है ये परियोजना? गोदावरी पे अभी स्टार्ट की गई, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके। देन भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप बिल्कुल बता दोगे इसका आंसर मुझे, ठीक है, तो इसका भी आंसर दे देना। देन देखो वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो आसान होते हैं, और मैं अपने पिछले वीडियोस में उनको बता चुका हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को इसका आंसर एक्चुअली नहीं पता है, तो प्लीज आप कुछ मत करो, आप कहीं सर्च वर्च करने मत जाओ, अब नीचे कमेंट्स में जाओ, डेफिनेटली लोग उसका आंसर दे चुके होते हैं, और जो करेक्ट होते हैं मैं उनको राइट से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आप तो वो आप वहां से उनके आंसर चेक कर सकते हो, मतलब आलस मत करना कि आप सोचो छोड़ दो और फिर मत देखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं दोबारा इंक्लूड करता हूँ एक्चुअली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इजी है दैट इज डिफरेंट थिंग, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो वो ही मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और जो क्वेश्चन का आंसर बोलता हूँ मैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देन 21 क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने फेसबुक के साथ मिलकर शी मीन्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, फेसबुक के साथ मिलके इस एक प्रोग्राम है उसकी स्टार्ट की, उसका नाम शी मीन्स बिजनेस। तो इसमें करना क्या है, इसमें होगा क्या, इसमें जो है ये क्या होगा कि एक करीब 25,000 25,000 महिलाओं को प्लस ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो इसमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, किस चीज की? डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग समझते हो ना आप, मतलब जो तमाम सारे जैसे फेसबुक है, ठीक है, यूट्यूब है ना, सोशल मीडिया का यूज करके आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, ठीक है। जैसे नहीं आप फेसबुक पे देखो कई सारे एड्स आते रहते हैं साइड में, है ना, तो ये सब एड्स कैसे दिए जाते हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब पे जो आप देखते हो वीडियो देखते हो तो आपको उसमें एड दिखाई पड़ते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो इस तरीके से जैसे मतलब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपको तमाम सारे उसमें ऐड दिखते हैं, कहीं अमेजन पे जाओगे आपको साइड में कोई दूसरे प्रोडक्ट का ऐड चल रहा होता है, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब की ट्रेनिंग दी जाएगी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया सी मीन्स बिजनेस, इसके अंदर 25,000 महिलाओं प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ओके क्लियर है ना, देन कूल है, नेक्स्ट चलते हैं। देन आई डू व्हाट आई डू, मैं जो करता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? रघुराम राजन है, इन्होंने ये बुक को लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपसे पूछी जाएगी इस साल, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू, इजी है, आपको याद भी हो गया होगा अभी। देन नमो युवा रोजगार की शुरुआत किस राज्य ने की है? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है,
जो सीएम है मिस्टर फडणवीस, उसने इस योजना की का शुभारंभ किया है। एंड पर्पस क्या है इस स्कीम का, इनका पर्पस ये है कि जो वहां पे युवा बेरोजगार है ना, उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बेरोजगार तो इनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके लिए ये स्कीम चलाई गई, नमो युवा रोजगार। ठीक है, द 24th क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बनेगा, ATC टावर कहाँ बनेगा, मतलब एक बड़ा सा टावर है, यहाँ से जो एयर जो फ्लाइट्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, तो ये बनेगा IGI, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया जाएगा। कूल है। देन किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है? ठीक है, तो बहुत सारे मतलब जगहों का नाम बदल के पंडित दीनदयाल के नाम से रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये बीजेपी की महिमा है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज द फाउंडर ऑफ जनसंघ, है ना, जनसंघ ही बाद में बदल के भारतीय जनता पार्टी बन गई। ठीक है, तो इसलिए वो हर जगह, जैसे जो कांग्रेस गवर्नमेंट होती है तो हर जगह का नाम बदल के इंदिरा गांधी राजीव गांधी हो जाता है, तो उसी परंपरा को फॉलो करते हुए जो ये रेलवे स्टेशन है मुगल सराय, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। फिर ऐसे एक बंदरगाह है, ठीक है, तो उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। क्या आप मुझे बताओगे वो कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले किसी वीडियो में, तो आप मुझे इसका आंसर भी करने वाले हो कि वो कौन सा पोर्ट है जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन, इसका नाम ही क्यों रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बिकॉज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मृत्यु हुई थी वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे हुई थी, मतलब ये वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे, ठीक है, और सडनली मतलब वो बीजेपी या जनसंघ की कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए मुगल सराय गए हुए थे, या आई थिंक मुगल सराय नहीं कहीं जा रहे थे, तो उनका उनका शव मिला था ट्रेन में, उनका किसी ने उनका मर्डर कर दिया था, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे उनकी डेड बॉडी लावारिस पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ था मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। ठीक है, एक्चुअली जो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, वहां पर एक स्कूल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, तो अगर कोई कानपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप मतलब मैं वहीं से पढ़ा हूँ एक्चुअली, इसलिए मुझे ये सब चीजें थोड़ी पता है। ठीक है, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। ओके, किस शहर में देश के पहले विदेश भवन का उद्घाटन हुआ है? दैट इज मुंबई। ठीक है, किस शहर में देश के पहले विदेश भवन का उद्घाटन हुआ है? मुंबई। ओके, देन नीति आयोग ने हाल ही में कौन से अभियान की शुरुआत की है? दैट इज मेंटर इंडिया। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है इस टाइम? अमिताभ कांत, ये भी बताया मैंने। ठीक है, अमिताभ कांत नाम है इनका, ये सीईओ हैं, और ये जो मेंटर इंडिया जो अभियान है वो एक्चुअली क्या है, इसमें किया क्या जाएगा कि जैसे जो गवर्नमेंट ने ये जो अटल इनोवेशन सेंटर्स बनाए ना, कौन सा एक प्रोग्राम है ना, ये AIM एम प्रोग्राम है ना, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में आई थिंक अटल अन्वेषण मिशन बोलते होंगे, मतलब आई डोंट नो, आप इसको ही देख लो, थोड़ा समझ लो। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, इसमें क्या हुआ है, 900 लैब्स बनाई गई हैं। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं इनको, अटल टिंक जो हिंदी है यार मुझे इसका नहीं पता, आप देख लेना जरा। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लो कि जो अटल इनोवेशन का मतलब क्या होता है, वही आविष्कार करना। ठीक है, अन्वेषण, तो अटल के जो इनोवेशन मिशन के अंदर ये मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें 900 लैब बनाई गई है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिसर्च वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 900 लैब ऑल इंडिया बनाई गई, तो उस लैब में जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनको गाइड करने के लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, जैसे मैं ही हूँ, मैं एक पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर हूँ, तो मैं इन लैब्स में जाके इन लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकता हूँ, है ना, जो जैसे कुछ प्रोफेसर हैं या कोई भी, मतलब इनको लीडर वर्ड बोला गया है इसमें जो स्कीम के अंदर, तो ये लीडर्स हैं, ये जाएंगे इन लैब्स में, है ना, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना गाइडेंस देंगे और उनको उनको बताएंगे कैसे क्या करना है, तो एक तरीके से वो उनके मेंटोर होंगे। ठीक है, तो ये है इसकी मेंटर इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक एक या 2 घंटे देने होंगे पर वीक बंदे को। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मेंटोर कर रहा हूँ, तो वही काम ये लीडर्स इन लैब्स में जाके करेंगे। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम इज मेंटर इंडिया।
नीति आयोग ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा नीति आयोग ने कौन सा किया है, या मेंटर इंडिया जो प्रोग्राम है वो किसने आरंभ किया है। सो आंसर विल बी नीति आयोग, ठीक है। देन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप समझ लो किसान संपदा योजना कृषि न्यूनता पूर्ण करना है, कृषि में आधुनिकीकरण को इंट्रोड्यूस करना है ना, मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, देन जो कृषि बर्बादी होती है उसे कम करना है, इस टाइप के जो डेवलपमेंट है जिससे इम्प्रूवमेंट हो एग्रीकल्चर का, वो इसका उद्देश्य है। देन सरकार ने किस शहर में परिचालन सामुद्रिक विज्ञान हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंजूरी दी है, तो दिस इज हैदराबाद, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जरा यूनेस्को वगैरह जहां भी आ जाता है तो ऑब्वियसली वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप थोड़ा समझ लेना। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है किस चीज के लिए, परिचालन सामुद्रिक विज्ञान हेतु, ठीक है, तो हैदराबाद में। देन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है, 50%, 50% आरक्षण तो सभी सरकारी स्कूल में जो भी नौकरी आएंगी तो उसमें महिलाओं के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 30 क्वेश्चन है मैंने पूरे कर लिए हैं, आपको लाइक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको पता है पढ़ने के बाद में। तो अब जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए तो ये तो बनता है, और पूरे अच्छे से मैं इलेबरेट कर रहा हूँ, काफी चीजें आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। आई डोंट थिंक कि यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कराने वाले जो चैनल्स में ऐसा कोई चैनल है, मैं खुद भी देखता रहता हूँ, मुझे पता है लोग आते हैं सीधे कोई किताब लेते हैं उसका वो स्कैन करते हैं और पूरा बोल बोल के चले जाते हैं, तो वो तो आप किताब से ही पढ़ सकते हो, है ना, सुनने में और मतलब इस तरीके से चीजों को समझना कोई नहीं करता है। तो आप प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आप उनके भी वीडियो देखो, वो भी मैं इसी तरीके से स्टोरी लेकर पढ़ा रहा हूँ, मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर आप बहुत तरीका बहुत अच्छा है, चीजें बहुत इजिली याद हो रही हैं। तो जो लोग मेरे वो वीडियोस हिस्ट्री के नहीं देख रहे हैं तो आप उससे जुड़िए, है ना, और कमेंट करिए मुझे, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर करिए, मैं डेली दूंगा, और आपको इस 30 क्वेश्चन में कम से कम 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे, जो वो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उनके आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ओके ना। तो अब जो मेरा चैनल है सॉरी ग्रुप है उस पर आप जरूर जुड़िएगा, टारगेट यूपीपीएससी आरओ एआरओ, एंड दूसरा कौन सा है यूपीपीएससी स्टडी सर्किल, ठीक है। तो इनके इन ये डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके आप फेसबुक पे ऐड हो सकते हो, ठीक है। ठीक है फिर, चलो मिलते हैं, कल ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।